हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधुश्री आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। और आज एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि बैरिस्टर बाबू के शूटिंग के दौरान, मतलब मेरा जब शूट चल रहा था तो हम लंच टाइम पे बहुत मस्तियाँ करते हैं। और आप लोग मुझे बहुत बार ये रिक्वेस्ट किए हैं कि मैम अनिरुद्ध का एक डांस। गाइज, हर इंसान का ना नेचर अलग होता है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डांस करना, ज़रूरी नहीं है हर किसी का ऐसा पसंद हो। लेकिन उस दिन लकीली क्या हुआ कि सब बहुत ही ज़्यादा मस्ती मूड में थे और मैं, त्रिलोचन जी, औरा, प्रविष्ट, हम लोग सब एक ही रूम में बैठ के लंच कर रहे थे। एंड देन अचानक से प्रविष्ट थोड़ा सा, मतलब एक लाइन नहीं कहूँगी, आधा लाइन ही सही, खुद ही गाना गा के डांस करने लगा। और उसके बाद कुछ उसने मस्ती की जो आप लोगों को दिख जाएगा। मैं ये वीडियो से पहले इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि उस वीडियो में आप लोगों को मेरी सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी। मैं वीडियो बनाने में इतनी बिजी थी, मैं भूल गई कि मुझे भी इस वीडियो में आना है। तो जो फैंस चाह रहे थे अनिरुद्ध का एक डांस, अब आप लोग अगर बोले प्रॉपर डांस, तो वो आप लोग चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम के रील्स पे जाके देख सकते हैं। और आगे भी अगर मैं बैरिस्टर बाबू की शूटिंग पे गई तो मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगी। और काफ़ी जो लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि आपने इसको क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया, पहली बात तो एक तरीका होता है, अगर कोई नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं बुलाया। सामने वाला जो है वो किसी कारण से नहीं आ पाया हो मेरे बर्थडे में, तो प्लीज़ थोड़ी सी ये बेवकूफ़ों वाली सवाल लिखना बंद करिए। एंड थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जो मुझे समझते हैं, प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं। आप लोगों से मुझे बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, मुझे लगता है हाँ मैं इस अपना चैनल जो है इसको बहुत ऊपर तक ले जा सकती हूँ आप लोगों का इसी तरह साथ रहा तो। तो फिलहाल आप लोग ये वीडियो एंजॉय करें। क्या आ रही है पता है अंधेरे में? थोड़ा सा ये, लेकिन अनप्लान कर दिया तुमने। काफी लोगों ने बोला कि अनिरुद्ध को डांस कराइए, मैंने कभी नहीं बोला, तुमने खुद से ही किया। क्या झूठ बोल रहे हो, पीछे से पूरे डांस करो। तो फिर बहुत अच्छी बात है ना, मेरे बातों में तुमने डांस कर लिया, थोड़ा लाइट पे आ जाओ, थोड़ा एक बार और पीछे जाओ तो। अरे डांस डांस नहीं, ये देखो ये ए बोलो 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 थोड़ा सा। हमारे सर पे ड्राई आइस आया था, आइस क्रीम, तो हमारे वैज्ञानिक दिमाग ने ऐसा सोचा कि कुछ किया जाए, अभी हम लोग इसको ऐसे करके बंद करेंगे और बाहर छोड़ देंगे, बाहर बहुत जोर से जल्दी फूटने वाला है। सीरियसली? अरे दिखेगा नहीं, रुको ना, देखती हूँ अगर दिख जाए तो। जब भी फूटे फूटने वाला है, कभी ना कभी भी फूट। अरे भाई किसी को ऊपर गिरेगा फिर। इसको देखो ये आइसक्रीम छोड़ी नहीं, लेकिन खाते हुए आई है। नहीं नहीं अभी होएगा, फटने वाला है, फटेगा, ये फटेगा फटेगा फटेगा। अरे इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट थोड़ी होगा ये ऐसे कौन डर के खड़ा होता है? कैसा लगा? रुको, कैसा लगा? क्या वो? अरे कितने एक्टिंग कर दे तू। ये बॉटल को क्या हुआ? बॉटल को ज्यादा कुछ हुआ नहीं, टूटा नहीं, वरना जनरली बॉटल भी फट जाता है। यहाँ बॉटल कैसा लगा बिना दिवाली का ये धमाका करके? हम लोग पॉल्यूशन फ्री दिवाली ऐसे मनाते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।